Hey guys, my name is Arvin. तो basically आज का जो टॉपिक है वो है Poco M4. कल तक मैं सोचता था कि क्या ऐसी चीज है जिसके चलते ना तो कोई लीक्स आए हैं, ना रूमर्स आए हैं, ना कोई फर्स्ट लुक आया है, और सीधा का सीधा इसकी लॉन्चिंग डेट आ चुकी है। जैसे आप Flipkart पे जाओगे देखोगे तो आपको जो बिग बिलियन डेज वाला जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 30 सितंबर को एक Poco का लॉन्च होने वाला है, और उसी के साथ Vivo का भी लॉन्च है, जहां पे Vivo X70 सीरीज लॉन्च होगी। अब यहाँ पे जब Redmi है तो रिब्रांडिंग है तो Poco है, और Poco जिंदा ही रिब्रांडिंग के ऊपर है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे 90% ही देख लो आप, 90% Poco के ऐसे फ़ोन हैं जो रिब्रांडिंग से आते हैं। 100% जो स्मार्टफोन के बॉक्स हैं Poco के, इसी के साथ अब चार्जिंग अडेप्टर जो है, केबल वो है जो है, वो सारी चीज़ें Xiaomi ही बनाता है। Xiaomi इस चीज़ को और Poco इस चीज़ को ऐसे दिखाता है कि ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है, दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक सारी चीज़ें Xiaomi की ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में बनती हैं, और उसके बाद उन पे Poco की ब्रांडिंग चढ़ा दी जाती है। और जैसे मैंने आपको बोला कि 90% फोन ऐसे हैं जिन पे Redmi के नाम पे सीधा Poco चिपकाया जाता है और हमारे हाथों में पकड़ा दिया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे बच जाते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो Redmi के फोन नहीं बिकते हैं वो Poco की ब्रांडिंग में बिक जाते हैं। तो बस मतलब कुल मिला के फायदा ही फायदा है। तो यहाँ पे मैं अपकमिंग Poco M4 के बारे में बात करने वाला हूँ। 100% ये भी ब्रांडिंग है। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक करना है शेयर, और उसके बाद अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली ये जो फोन है वो आपको 192 ग्राम्स का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बैटरी बहुत ही बड़ी डाली जा रही है। इसके चलते इसका जो वेट मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही कमाल का लगा मुझे। 6000 mAh की बैटरी होगी और इसके बावजूद भी आपको 200 ग्राम के अंदर ही देखने को मिलता है। और Poco के फोन जो होते हैं वो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग डिजाइन के साथ आते हैं। अब डिजाइन तो वही होता है, बैक पैनल को चेंज किया जाता है। मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे, जैसे आपको Redmi 9 Power देखने को मिला था जो Poco M3 जो आया था ना, वो उसकी रिब्रांडिंग पे आया था। कहने को Poco M3 का जो बैक लुक था वो बहुत ही कमाल का था, लेकिन जो कैमरा प्लेसमेंट है ना वो बिल्कुल सेम की सेम थी, और जो बैक पैनल था उसको दूसरी तरफ चढ़ाया गया था। तो इतना ही चेंज होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल बायर को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है कि किस चीज़ की रिब्रांडिंग है, क्या रहा है बैकएंड में, उसको एक अच्छी डील चाहिए, और वो ये कंपनी डेफिनेटली प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा और रिफ्रेशिंग डिजाइन देखने को मिले जाएगा, क्वाड रियर कैमरा के साथ ही आएगा, और इसी के साथ Xiaomi की जो ब्यूटी है ऑल टाइम IR ब्लास्टर इंफ्रारेड सेंसर, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप रिमोट की तरफ अपने फोन को यूज करोगे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, और इसी के साथ आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो इस प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट कोई ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता है, Xiaomi और Poco ही प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ फ्रंट का लुक भी काफी कमाल का है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटर पंचोल देखने को मिल रहा है, और यही सेंटर पंचोल आपको 70-80 हज़ार रुपए के फोन्स में भी देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ इसकी डिस्प्ले पे, जो भी काफी कमाल की चीज यहाँ पे डाली गई है। 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है। अब यहाँ पे डेफिनेटली आपको सुपर एमोलेड नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिलती है 90 Hz की हायर रिफ्रेश रेट। हाँ, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आज के टाइम में वो ट्रेंड बनी हुई है, और यहाँ पे ये फ़ोन आपको ट्रेंड को फॉलोअप करता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, और 83.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इसका मतलब सीधा से ये हो जाता है, बहुत ही कम बेजल्स और बहुत ही कम चीन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसी के साथ इसमें आपको 405 PPI डेंसिटी देखने को मिल जाती है, पिक्सल पर इंच की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट और काफ़ी अच्छे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे फुल HD प्लस पे वीडियो देख पाओगे, जो अगेन इस प्राइस रेंज में एक डिसेंट सी चीज है, बहुत अच्छी तो नहीं है। और उसके बाद बात करूं मैं आपसे इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी पावर की, तो यहां पे आपको MediaTek Helio G88 देखने को मिलता है। ये ऑलमोस्ट तीसरा फोन होगा जो इस प्रोसेसर पे आने वाला है इंडिया में, जहां पे पहला 10 प्राइम था, दूसरा इन्फिनिक्स का Hot 11 था, और ये जो प्रोसेसर है 12nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आता है। ये ऑलमोस्ट वही प्रोसेसर है जो Helio G85 है, और इसके जो अंदर तो बेंचमार्क स्कोर है वो ऑलमोस्ट 2,20,000 आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना वो है स्टोरेज के साथ, eMMC 5.1 बेस स्टोरेज देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं जो चिप शॉर्टेज है ना उसकी कॉस्ट कटिंग को इधर की तरफ डाला गया है, वरना आप Poco M3 को उठा के देख लो, 9 Prime को देखा लो, 9 Power को देख लो, सारे UFS 2.1
1.1 और 2.2 बेस स्टोरेज के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पे EMMC डाल के ना कहीं कॉस्ट कटिंग की है Redmi ने या Poco ने बोल लो यहाँ पे। और इसी के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 देखने को मिल जाएगा MIUI 12.5 के साथ। बहुत सारे ब्लूटूथ आते हैं इसमें। अब बहुत एक बड़ा सा क्वेश्चन था लोगों का कि यहाँ पे जैसे ही फोन, मतलब आप कई जानकार होते हैं, उनको पता है कि Xiaomi के एड्स कैसे ऑफ करने हैं, ब्लूटूथ कैसे ऑफ करने हैं, मतलब उनको कट करना है बेसिकली, तो सारे लोग ये चीजें नहीं करते हैं। कंपनी क्यों देती है? कंपनी को पता है कि इनसे हमारा नाम खराब होने वाला है। जब भी कोई अनबॉक्सिंग करता है सीधा बोल देता है इसमें बहुत सारे ब्लूटूथ हैं, और वो सीधा डिलीट करने बैठ जाता है। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन मार्केट है, यहाँ पे जो टेकी लोग हैं वो ही इस चीज को नोटिस करते हैं, वरना नॉर्मल जो लोग हैं ना उनमें बहुत आराम तरीके से चलता है। जैसे यहाँ पे मैं होम टाउन में हूँ अभी के वक्त, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके फोन्स में ऐसे 20 से 30 ऐप मिल जाते हैं जिनको वो यूज भी नहीं करते हैं और उनको पता भी नहीं होता आधों के बारे में, तो ये डाउनलोड हो कैसे गए? तो जैसे ही कोई ऐड आता है ऑलरेडी ब्लूटूथ ऑलरेडी आता है, तो उन पे वो क्लिक करेंगे और वो सीधा जाके डाउनलोड हो जाएंगे, और डाउनलोड हो गए वो पड़े रहेंगे फोन्स में, और जो वो ऐप है उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे कि हाँ इतने लोगों ने हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है और इसके पीछे Xiaomi बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। Xiaomi क्या कोई भी फोन, जैसे आजकल Samsung भी देने लगा है, तो ये सारी चीजें ऐसे ही काम करती है। और उसी के साथ आपको 50 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। क्वाड तो कहने का है, बाकी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो डिसेंट क्वालिटी में आपको फोटोग्राफ प्रोवाइड करता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, दोनों कैमरा काफी एकदम काम आ सकते हैं। बाकी दो वो डेप्थ और मैक्रो वाले हैं जो सिर्फ नंबर भरने के लिए आपको दिए जाते हैं। और इसी के साथ जो प्राइमरी सेंसर है ना वो f1.8 का अपर्चर लेके आता है, और 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और जो सेल्फी शूटर है वो आपको देखने को मिलता है सेंटर पंच होल के रूप में। दोनों तरफ आप 1080 मतलब फुल HD प्लस पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसी के साथ आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अब ये जो बैटरी है वो डेफिनेटली आपके 2 दिन निकाल सकती है अगर आप डिसेंट यूज करते हो तो। और 18 वोट की फास्ट चार्जिंग है। 18 वोट की फास्ट चार्जिंग हाँ ऑलमोस्ट 2 घंटे ले लेगी इसको चार्ज करने में, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद ये पावर बैंक की तरह काम करेगा। और इसी के साथ USB टाइप सी है, 2.0 वाला पोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और दोस्त के फोन को भी चार्ज करना हो तो इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग देखने को मिल जाती है जो 9 वोट की कैपेसिटी के साथ आती है। तो बेसिकली इतना सारा मसाला लेके आने वाला है पोको M4। अब आपको ये सारी चीजें देखने के बाद अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो ये कहीं ना कहीं किसी फोन से मैच करता है, और वो फोन है Redmi 10 Prime। अब Redmi 10 Prime का रिब्रांडिंग वर्जन होने वाला है Poco M4। जो Redmi 10 था ना जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था उसकी रिब्रांडिंग 10 Prime था, और Redmi 10 Prime जो है उसकी रिब्रांडिंग Poco M4 होने वाला है। डेफिनेटली यहाँ पे Redmi और Poco ने रिब्रांडिंग के नाम पे एकदम छप्पर फाड़ दिए हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूँ। तो जो Redmi 9 Prime था वो Poco M2 बन के आया था, जो Redmi 9 Power था वो Poco M3 बन के आया था, और यहाँ पे जो Redmi 10 Prime होगा वो Poco M4 बन के आएगा। मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि जो Redmi की ब्रांडिंग में नहीं बिकते हैं वो यहाँ पे Poco की ब्रांडिंग में बिक जाते हैं, और सारा सिनेरियो यही होने वाला है। तो बस यार बाकी जो इसका लॉन्च है वो आपके अक्टूबर में देखने को मिलने वाला है। मे बी आपको थोड़े माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे स्टोरेज और रैम में देखने को मिल सकता है। जो 4GB 64GB का स्टोरेज है ना वो यहाँ पे 6GB 64GB का हो सकता है, तो ये माइनर से चेंजेस करके आपको Redmi इसको प्रोवाइड कर देगा Poco का लोगो पर लगा के, और अंदर थोड़े से सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करके। तो बस यार ये जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, उसके करना सब्सक्राइब। एज यूजुअल हैव फंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तक के लिए।